भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ स्वर्ग स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। सिर्फ स्वर्ग ही नहीं, अब देखो यहां पर कितनी अच्छी बात कह रही है, भौमम मनोरथम स्वर्गम स्वर्गे रम्य च यत् पदम प्राप्तनो या पराधीतो वैष्णवो निर्माणमपि चोयेतसाम। ध्यान से सुनना क्या गजब की बात उन्होंने कही है कि जो भगवान विष्णु की सेवा करते हैं इस पृथ्वी पर जो कुछ चाहते हैं उन्हें वो मिलता है। बोले अगर न चाहें तो, बोले स्वर्ग मिलता है, बोले स्वर्ग को भी इग्नोर कर दें तो, बोले ब्रह्म पद मिलता है, और वो भी न चाहें तो है? फिर निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। जन्म जन्म कितना प्रयास करते कि हमारी मुक्ति हो जाए, वो संभव नहीं होती, तपस्या हजारों हजारों वर्ष हो जाता है तभी वो संभव नहीं होता हो पाता है, परंतु भगवान विष्णु की सेवा करने से वो निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वो है जिस जिस फल की जितनी जितनी वह जिस जिस फल की और जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना करने से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। बोलो नारायण भगवान की जय। और हे भोपाल, तुमने जो पूछा है कि हरि की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, बताएं कि नहीं? ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है किस प्रकार करनी चाहिए, वो बताओ फल क्या मिलता है, फल दिपा दो, पूजा तो हम करते ही रहेंगे, फल बताओ महाराज। सुनो सुनो हैं, हाँ करेंगे तब तो मिले, वो ही नहीं करना है महाराज, आप कर लो पूजा, फल हमको दिलवा दो। पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, आराधना कैसे करनी चाहिए, वो सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, सबसे पहली शर्ती पहले भी बताई है अब फिर बता रहा, अपने वर्णाश्रम का, जो वर्ण में आपका जन्म हुआ उसका मन लगाकर उसका पालन करो, उसे दूर मत भागो। अगर आप अपने वर्णाश्रम का अपमान करते हो, हरेक वर्ण में हरेक व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए उसका उल्लेख है यहां, सावधानी पूर्वक सुनना। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है, उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है, दूसरों की हिंसा करने वाला भी उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान सर्व सबके भीतर समाए। ऐसा क्या है, अब जब हम किसी की हत्या करते हैं तो भगवान की तो हत्या है, हम लोगों को कहते हैं ईश्वरंश जीव अविनाशी, ईश्वर सब में बैठा हुआ है, तो जिसको आप मार के खा गए ईश्वर तो उसमें भी था, तो वो ईश्वर की तो हत्या है, किसकी हत्या है, वो ईश्वर की हत्या है। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन की ही उपासना करता है। हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए श्री विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। अब सुनो, जो पुरुष दूसरों की निंदा चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। बोलो नारायण भगवान की। अच्छा बताओ इसमें क्या खर्चा है तुम्हारा, बताओ क्या खर्चा है इसमें, भगवान की प्रसन्नता का कितना सरल उपाय है, क्या है? बोले देखो, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो किसी की चुगली नहीं करता अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता, भगवान उसे खुश हो जाते। जो व्यक्ति ऐसा हो जो किसी की निंदा करे ना और सुने ना, जो व्यक्ति किसी की चुगली ना करे, और जो व्यक्ति झूठ ना बोले, और दिन में मात्र दो चार माला ही कर ले, दो ही माला कर ले बस,
सिर्फ दो माला कर ले, भगवान तुम्हारे आगे पीछे घूमे। और गजब की बात तो यह है, वो ताली वो बजा रहे हैं जो बिना दिन रात झूठ बोले बिना नहीं रहते हैं। ताली वो बजा रहे हैं, हमने उनको देखा, इतना झूठा आदमी। अभी फोन आ जाए तो जो रास्ते में हूं, अब बेवजह का झूठ है, बेवजह का, सही नहीं बता सकते, मैं लेट हूं ये बोल दो, नहीं पहुंचे तुम नहीं पहुंचे, कह दो मैं नहीं आ पाया कल आ जाऊंगा, क्यों झूठ बोलना है, क्यों झूठ बोलना है। कितना सिंपल सा उदाहरण दिया मैंने, कितना, और एक एक झूठ आपको भगवान से दूर ले जा रहा है। नरक का तो नाम से अब तुम डरते भी नहीं हो, इस बात से ही डर लो कि तुम जितनी बार झूठ बोल रहे हो उतनी बार तुम भगवान से दूर उतनी जा रहे हो। क्या करें महाराज, बोले झूठ बोलना बंद करो। कई स्थितियों में झूठ बोला जा सकता है, किसी की जान बचाने के लिए, किसी की इज्जत बचाने के लिए, गऊ हत्या रोकने के लिए, भजन इत्यादि करने के, झूठ बोल थोड़ा बहुत चल जाएगा वहां, लेकिन बात बात पे तुम आए नहीं, बोले आ रहा हूं रास्ते में ही हूं, है ही नहीं, घर से ही नहीं निकला तू, क्यों बोलना झूठ। चुगली मत करो, जहां बैठ जाओ वहीं दूसरों की खिड़किन खिड़किन खट 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 पट 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 झट 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 झट। और स्पेशली माताओं को, ये पुरुष है, पुरुष कम चुगली खोर है, हमसे पूछो कैसे कैसे पुरुष बैठे दुनिया में, महाराज आग लगा दें दूसरों के घरों में, ऐसे चुगलखोर, रात दिन जिनका एक ही काम है सिर्फ चुगली करना। अच्छा, वो भूल जाते हैं कि ये आग लगेगी तो हमारे घर तक पहुंचेगी, कब तक नहीं पहुंचेगी, एक बात बताओ कब तक नहीं पहुंचेगी, एक दिन तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि चुगलखोर किसी का सगा नहीं, वो आज तेरी तुझे चुगली सुना रहा है, कल वो तेरी चुगली किसी और को करेगा। सगे ये अपने बाप के नहीं हुए, बाप का भी मौका मिले तो चुगली कर दे ये। और हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने बाप की ही चुगली करी है, कसम से हम जानते हैं। तो इसलिए कितना सरल उपाय है भगवान को प्रसन्न करने का, किसी की चुगली मत करो, किसी की निंदा मत करो, झूठा भाषण मत करो, भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। पर नहीं करना भगवान को प्रसन्न, वाणी को प्रसन्न करना है, दुनिया को प्रसन्न करना है, दुनिया वालों को प्रसन्न करना है, तो जमुना जी में चले हो जा और जो मन करे सो करे, कम से कम कथा सुन वही बंद कर दे फिर जी कर ले। कितना सरल उपाय के भगवान प्रसन्न नहीं होते, ये तीन चीजें करना शुरू करो आज से, तीन काम, चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, सुननी भी नहीं किसी की, और झूठ नहीं बोलना। बहुत जब तक कठिन परिस्थिति ना आए तब तक झूठ मत बोलो, बहुत सरल है। कहते हैं भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाते हैं।